हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। यहाँ पे सेपरेट पॉन वर्सेस रुक, क्या ये गेम ड्रॉ हो सकती है दोस्तों? ब्लैक के पास दो सेपरेट पॉन है, तो इसे ड्रॉ कैसे किया जाए? नेक्स्ट हेड ब्लैक की किंग एफ टू है, तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप ये गेम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट मूव होगा रुक बी वन, और यहां पे ब्लैक अगर किंग एफ टू करता है तो रुक टेक्स बी टू, देन चेक और दोनों पॉन मर जाएंगे, तो किंग यहां से मूव नहीं कर पाएगा। मतलब अगर किंग एफ थ्री किया तो सिंपल आप किंग नजीक ला सकते हो, और यहां पे अगर ब्लैक ने जीतने का ट्राई किया तो हार भी सकता है दोस्तों, यहां पे लॉस भी हो सकता है। इसलिए ब्लैक को मूव्स कंटिन्यूस, ये दोनों पोजीशन में ब्लैक किंग डी थ्री करेगा, नेक्स्ट थ्रेट किंग सी टू, तो यहां पे रुक जी वन, अगर किंग ई थ्री करता है तो रुक बी वन, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो रिपीटेशन मूव में दोस्तों। जैसे कि ये घुमा फिरा कर इधर भी नहीं आ सकता, वरना रुक टेक्स पॉन और ये पॉन पिन हो जाता है, बाद में सिंपल ड्रॉ है। अब दोस्तों, रुक एंड गेम की जो मेन दो चीजें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, खास करके ल्यूसिना पोजीशन और फिलिडोर ड्रॉ पोजीशन, ल्यूसिना विनिंग पोजीशन। यहां पे रुक के साथ में व्हाइट हैज ए पॉन एक्स्ट्रा, तो व्हाइट गेम जीत सकता है, लेकिन इसे जीतने की ट्रिक क्या है? जब वन मूव में क्वीन बन रही है, अगर आपने यहां पे जैसे कि किंग मूव किया तो सिंपल व्हाइट ब्लैक पीछे से चेक देता रहेगा, कंटिन्यूस चेक आएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करें? गेम जीतने की स्टाइल है ल्यूसिना पोजीशन दोस्तों। ल्यूसिना की थियरी जिसे आएगी वही ये गेम को विनिंग निकाल पाएगा, वरना बहुत सारे गेम्स ड्रॉ हो चुके हैं। सबसे पहले आपको करना है रुक जी वन चेक। अब देखो, किंग अगर एफ सिक्स जाता है तो सिंपल आपकी नजर में यहां पे क्लियरली लॉस है, किंग एफ एट देन सिंपल क्वीन, तो यहां पे ब्लैक खेलेगा किंग एच सेवन। उसके बाद आपको किंग एफ सेवन नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले रुक जी फोर, ल्यूसिना की टेक्निक। किंग एफ सेवन अगर आपने कर दिया तो ब्लैक फिर से आपको कंटिन्यूस बैक साइड से चेक देता रहेगा, तो यहां पे सबसे पहले रुक जी फोर। अब रुक जी फोर के बाद जैसे कि रुक डी टू आपका किंग को कट ऑफ कर रहा है, उसके बाद किंग एफ सेवन। अब यहां ट्रिक क्या है? रुक जी फोर का मीनिंग आपको बाद में पता चलेगा। रुक एफ टू, किंग ई सिक्स, रुक ई टू, किंग एफ सिक्स, रुक एफ टू, किंग ई फाइव, देन रुक ई टू, सिंपल रुक ई फोर, एंड व्हाइट विल विन सिंपली दिस गेम। क्योंकि अब रुक टेक्स रुक अगर होता है तो भी किंग टेक्स रुक और उसका किंग काफी दूर है, तो नेक्स्ट मूव में आपका क्वीन प्रमोट होता है। बहुत ही बढ़िया टेक्निक है ल्यूसिना टेक्निक, आप सीख लीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा इसमें। अगर आपका पॉन सिक्स्थ रैंक पे है दोस्तों तो कैसे विनिंग है? एकदम सिंपल से विनिंग है। पहले रुक बी सेवन, जैसे कि रुक सी एट, ब्लैक लास्ट रैंक मूव नहीं कर सकता रुक, अगर रुक आउट ऑफ प्ले गया तो सिंपल चेकमेट है, तो रुक सी एट वेटिंग मूव। उसके बाद आपको देना है रुक जी सेवन चेक आफ्टर किंग एफ सेवन या किंग एच सेवन, रुक एच सेवन चेक, किंग जी एट, एफ सेवन चेक, एंड सिंपल रुक एच एट, विनिंग द गेम। अब देखते हैं दोस्तों रुक वर्सेस नाइट, इसमें हालांकि व्हाइट कैन गेम विन दिस गेम, लेकिन ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। ये पोजीशन है
B7 पे नाइट है, ब्लैक का किंग भी है, लास्ट कॉर्नर के नजदीक है। कट ऑफ करो पहले रुक D1 से नाइट के सारे स्क्वायर, जैसे कि C8 और सॉरी D8 और D6। अब यहाँ पे वाइट के पास फोर्स मूव है किंग B8, उसके बाद आपको खेलना है किंग A6, नाइट C5 चेक, किंग B6। अब यहाँ चेकमेट की थ्रेट है नेक्स्ट मूव में, तो ब्लैक विल गिव द चेक नाइट A4 और उसके बाद किंग C6। अब नाइट के पास कोई ज्यादा स्क्वायर है नहीं, तो नाइट C3 समझो कि अभी नाइट खेलेगा C3 पे, क्योंकि अगर किंग मूव किया जैसे कि A8 पे तो यहाँ पे पिनिंग करके हम नाइट को मार देंगे और किंग C8 जाएगा तो चेकमेट है। तो यहाँ पे फोर्सफुली नाइट खेलना पड़ेगा नाइट C3, क्योंकि नाइट B3 भी बैड मूव है, रुक B1 आता है। तो यहाँ पे नाइट C3, सपोज आपके रुक पे अटैक किया, नाइट C3 के बाद रुक E1, फिर से नाइट के सारे स्क्वायर कंट्रोल करो और ब्लैक यहाँ पे जुगजोंग में आ जाएगा, जैसे कि नाइट B5 तो पिनिंग नाइट, नाइट A4 अगर आता है तो सिंपल रुक चेक और यहाँ पे किंग A8 के बाद में पिनिंग हो जाता है। तो नाइट रुक E1 और यहाँ पे नाइट को बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप चेक देके अगर ब्लैक ने किंग A8 के बजाय C8 खेला तो सिंपल रुक से आप नाइट पे अटैक कर सकते हो, आफ्टर नाइट गोज एनीवेयर यू कैन विन द गेम बाय चेकमेट। अब दोस्तों खास समझने वाली बात मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया रूल, रुक के सामने क्या बिशप होता है तो गेम ड्रॉ हो सकती है, तो यस पॉसिबल है, लेकिन उसका रूल क्या है, उसका रूल याद रखना है आपको। अगर सामने वाले अपोनेंट के पास रुक है और आपके पास बिशप है तो ध्यान रखिए कि किंग को कौन से कॉर्नर में आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आपके पास लाइट स्क्वायर का बिशप है तो आपका किंग होना चाहिए डार्क कॉर्नर में, यानी कि H8 में। अब ये गेम बुक ड्रॉ मानी जाती है, जैसे कि अगर व्हाइट ने चेक दिया, बिशप इंटरपोज कर सकते हो, आफ्टर किंग आप सिंपल किंग मूव कर सकते हो। जब भी किंग आपके बिशप के पास आता है तो वो उसके नजदीक नहीं आ पाएगा, मतलब बिशप पे अटैक नहीं होगा। जैसे कि अगर व्हाइट ने यहाँ पे किंग F6 खेल दिया तो सिंपल आप किंग को G8 पे करोगे, रुक चेक, वापस से किंग इंटर अंदर, अगर यहाँ आता है तो सिंपल आपको बिशप कहीं भी दूर ले सकते हैं। अगर चेक देता है तो बिशप इंटरपोज कर दो, नो प्रॉब्लम, किंग तो इधर आएगा, किंग इधर नहीं आ सकता, अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर व्हाइट ने वेटिंग मूव करना चाहे तो स्टेलमेट हो जाएगी और इसी पोजीशन में व्हाइट गेम का कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। जैसे कि अगर वो यहाँ से अटैक कर रहा है, इस साइड से, रैंक से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिंपल चेक दे दो, आफ्टर किंग गोज एनीवेयर और वही सेम पोजीशन, तो अपोजिट कॉर्नर में किंग को ले जाना है दोस्तों, तभी आप गेम को ड्रॉ कर पाओगे। ये बेहतरीन रूल है, रूक वर्सेस बिशप कैन बी ड्रॉ, 90% कैन बी ड्रॉ, मतलब सेंटर में जब होता है तो थोड़ा आपके खेलने के ऊपर डिपेंड है। आपको इन शॉर्ट अपना किंग को कोई भी ऐसे कॉर्नर में ले जाना है जिस कॉर्नर का कलर का बिशप आपके पास नहीं है, मतलब अपोजिट कॉर्नर में। याद रखिए, आपका बिशप अगर डार्क स्क्वायर में है तो आपका किंग इस कॉर्नर में होना चाहिए, लाइट कॉर्नर में, तभी आप गेम ड्रॉ कर पाओगे, जैसे कि ये दो स्क्वायर आपके पास कंटिन्यूज रहेगी। तो दोस्तों ये थी रूक एंडिंग, बहुत सारी रूक एंडिंग मैंने आपको सिखा दिए, तो ध्यान रखे ऐसे एंडिंग सीखने के बाद एंड गेम तक आप काफी अच्छे से फाइट कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे एंड गेम, ओपनिंग और मिडल गेम सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।